सर, आज हरियाणा दिवस है, तो आप एक हरियाणवी कलाकार होने के नाते हरियाणा दिवस के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आज हरियाणा दिवस के उपलक्ष्य में सभी हरियाणा वासियों को, सभी कलाकारों को, जो कला को बचाने के लिए जो लगे हुए हैं मेरे भाई, उन सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और जो कला की आपने बात कही है कि जो हरियाणवी में, हरियाणा में जो आज पाश्चात्य संस्कृति हावी होती जा रही है, और उसमें जो हमारे हरियाणा के कलाकार हैं, दो चार गिने चुने हैं, वही इस टाइप के हमारे गीत हमारे समाज में, हमारे घरों में, हमारे गांव में बजते हैं, तो इसे जो हमारी हरियाणवी कला है उसको बड़ी ठेस पहुंचती है। उदाहरण के तौर पर बोले वो कहते हैं ना, सारे गांव हो रहा से त्रि बहन का रोड़ा, तो इस तरह के जो गीत बनेंगे बहन बेटियों को समाज में क्या 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 मैसेज आएगा, उनमें ना कोई उद्देश्य होता, ना कोई शिक्षा, ना कोई भाईचारा, कुछ नहीं होता। तो ऐसे गीतों पर रोक लगानी चाहिए। हरियाणा सरकार ने ऐसा कोई बोर्ड गठित करना चाहिए, उस बोर्ड के द्वारा ये जो सॉन्ग हरियाणा में होते हैं उनकी पूरी वह शूटिंग होनी चाहिए, उसके बाद ही उसका प्रचलन होना चाहिए। पहले जो हरियाणा का कल्चर था, जिस तरह के रागनी सांग किस्से कहानियाँ और लोकगीत हुआ करते, तो आज का जो हमारा कल्चर उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? प्राचीन हमारा जो लोक कल्चर होया करता उसकी तो कोई बात ही नहीं, उसके तो कोई मुकाबला ही नहीं। जैसे 15-15 दिन पहले शादी के गीत हमारे घरों में शुरू हो जाते थे, पूरी बारात धरती में बैठ के खड़ बिछा के खाना खाती थी, लोग गीते होते थे, तीज त्योहारों पर पूरे गांव में जोश होता था। आज वो बात रही नहीं, आज तो लोग अपने घरों तक सीमित रह गए, बस घरों तक सीमित रह गए, बाहर किसी न किसी से कोई लेना देना नहीं। वो कहते हैं ना, फेसबुक पर मेरे 2000 फ्रेंड हैं, लेकिन एक दूसरे भाई को भाई देख कर राजी नहीं। आज सिस्टम सारा चेंज हो गया। सर, नई सरकार भी बनी है, तो आप क्या कुछ उम्मीद रखना चाहेंगे कलाकारों के लिए, किस तरह उपलब्धियां हो सकती है? मैं तो सरकार से ये उम्मीद यही रखना चाहता हूं कि जो हरियाणवी कलाकार हैं, जो हरियाणवी संस्कृति को बचाने के लिए जो कार्य कर रहे हैं, चाहे वो सांग के माध्यम से है, चाहे पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से, उनको पूरा प्रोत्साहन देना चाहिए। सरकार ने उसका पूरा उसको महत्व देना चाहिए, नए नए कलाकारों की भर्ती करनी चाहिए, और जो हमारे बुजुर्ग हैं जो कलाकार, उनकी पेंशन होनी चाहिए। जो कहा आज जो प्राचीन जो हमारे कलाकार हैं, सारंगी वादक हैं, जैसे ढोलक वादक हैं, तबला वादक, आज बुजुर्ग हैं, जैसे बीमार हो जाते हैं, उनकी आजीविका का कोई साधन नहीं है, तो इस विषय में सरकार को ऐसे गांव-गांव में जाके पहचान करनी चाहिए, उनको सरकारी प्रोत्साहन मिलना चाहिए।